Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for NMAT SNAP 2023 exam, because in this video I'm going to discuss about the five major mistakes that you must avoid if you are preparing for NMAT SNAP. Guys, मैंने ये 2-3 साल से analyze किया कि कुछ पांच कॉमन mistakes हैं जो students लगातार mistakes करते हैं, जिस वजह से उनका NMAT SNAP या कोई भी non-cut exam नहीं निकलता है. तो ये video आपके लिए बहुत ज्यादा important है. ये पांच mistakes अगर आप नहीं करोगे तो definitely आपके दोनों exams क्वालिफाई हो जाएंगे. जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस हम लोग के चैनल पे बनते रहते हैं. चलो गाइस गाइस हम लोग का कैट प्रिपरेशन का मॉक जोन का फेसबुक ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो एंड हम लोग का एनमैट स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपडेट्स होते रहते हैं. तो गाइस बात करते हैं की पॉइंटर्स की. तो ये पांच मिस्टेक्स कौन सी है देखते हैं वन बाई वन. तो गाइस पहली चीज क्या है कि नॉट स्टार्टिंग अर्ली. काफी लोग सोचते हैं कि काफी लोग का क्या होता है कि कैट के लिए बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं, बट एनमैट स्नैप को बहुत लाइटली लेते हैं, एनमैट स्नैप बहुत अर्ली स्टार्ट नहीं करते हैं. ठीक है गाइस, अब ये डिफरेंस हो गया है कैट और एनमैट स्नैप में कि एनमैट स्नैप भी अब काफी अच्छे लेवल का आने लगा है. पहले क्या होता था कि एक चीज होती है ना कि कैट हो गया तो एनमैट स्नैप भी हो जाएगा. काफी लोग बोलते हैं कि यार कैट की प्रिपरेशन कर लू तो एनमैट स्नैप भी हो जाएगा. वो चीज अब नहीं वैलिड होती है, बिकॉज एनमैट स्नैप का भी लेवल बढ़ता जा रहा है. ठीक है, और अगर आप पूरा फोकस कैट में करोगे एनमैट स्नैप को नहीं करोगे तो आपके पास बाद में टाइम नहीं बचेगा. जैसे कैट आपका 30 नवंबर को हुआ, 10 दिन में आप क्या कर लोगे स्नैप के लिए? क्योंकि गाइस अब एलआर एंड बीए का लेवल भी काफी अच्छा हो गया है. अगर आपको लास्ट ईयर किसी ने स्नैप दिया होगा तो आप देखोगे कि क्वांट्स का लेवल कितना अच्छा आया था स्नैप का. कैट के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कैट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इवन लॉजिकल रीजनिंग में भी नई नई वैरायटी आई हुई थी. ठीक है, अब वो टाइम गया. आज से 4-5 साल पहले मैं बोल सकता था कि हाँ ठीक है कैट करेंगे तो एनमैट स्नैप में एफर्ट कम डालना पड़ेगा, बट अब ये चीज नहीं है गाइस, क्योंकि एनमैट स्नैप वगैरह में हर सेक्शन का लेवल बढ़ रहा है और आपके पास कैट के बाद टाइम नहीं होता है कि आप एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन करो फिर मॉक्स दो. आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है. तो ये काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. आप लोग करते क्या हो कि कैट आपका जब तक कैट नहीं होता है तब तक आप पूरा फोकस कैट में ही लगा देते हो. कैट में क्या है ना गाइस कि अगर एक सेक्शन भी खराब हो गया, सपोज करो एलआरडीए बहुत टफ आ गई, आप नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा जनरली हो जाता है, फिर आपका कैट तो खराब हो गई. अब आपके पास टाइम ही बचा कि आप एनमैट स्नैप बहुत अच्छा कर पाओ, तो वो गलती मत करना. पैरेलली दोनों चीजें चलाओ. अच्छी बात क्या है कि क्वांट सेक्शन दोनों का सेम है. अगर आप कैट का क्वांट्स कर रहे हो तो आपका एनमैट स्नैप भी ऑलमोस्ट निकल जाएगा, प्रोवाइडेड आप सारी वैरायटी करके जाओ. होता क्या है कि एनमैट स्नैप में बहुत माइन्यूट टॉपिक्स भी आते हैं, लाइक हाइट्स एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, जो कैट में शायद कभी कभी नहीं आते हैं, पर आपको कैट के लिए भी पढ़ना चाहिए. तो वैसे अगर आप पढ़ रहे हो कैट के लिए तो क्वांट्स में दिक्कत नहीं आएगी. एलआर एंड बीए इज टोटली डिफरेंट ऑफ कैट एंड नॉन कैट. ग्रामर वगैरह ये सब में टाइम लगता है, ये सब आप 10 दिन में नहीं पढ़ पाओगे. पहले से करके रखो, ईडीएम्स वगैरह जितना भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस करो, ये सब कैट में नहीं आता. तो गाइस करने के लिए बहुत कुछ एलआर में है, और एलआर भी आप टफ आती है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल एलआर आ जाएगी. आपको देखो ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ एनमैट से गायब हो गया, सब कुछ एनमैट ने रिप्लेस कर दिया क्रिटिकल रीजनिंग से. तो करना पड़ेगा आपको, स्नैप में भी डिसीजन मेकिंग वगैरह आ गया. तो गाइस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पे स्टार्ट करो, दोनों को पैरेलली लेके चलो और लाइटली मत लो बिल्कुल भी. ठीक है, क्योंकि जिन जिन्होंने दिया लास्ट ईयर एग्जाम उनसे बात करो, आपको खुद ही बता देंगे वो कि क्या कैट करने से हो जाता है एनमैट स्नैप, ऐसा नहीं है. ठीक है, क्वांट सेक्शन हो जाएगा, बाकी चीज में काम करना पड़ेगा. दूसरी चीज गाइस क्या है कि काफी बच्चे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस ही गो थ्रू नहीं करते हैं एनमैट स्नैप का या किसी भी नॉन कैट एग्जाम का. उनको एक सरफेस लेवल पे जो बताओ तो नहीं पढ़ लेते हैं. गाइस आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज करनी पड़ेगी, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी. बिकॉज बहुत ही वैरायटी वाले एग्जाम्स हैं ये नॉन कैट एग्जाम्स, इसमें सब कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बायनोमियल थ्योरम से लेकर स्टैटिस्टिक्स से लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर हर चीज. तो आप पहले पूरा सिलेबस समझो सिलेबस क्या है. ठीक है, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो. अगर आपको सिलेबस ढंग से देखना है, सिलेबस एक्चुअली कई जगह दिया भी नहीं रहता है प्रॉपर. हमने 2 वीडियोस बनाए, एक स्नैप का सिलेबस भी एक एनमैट का सिलेबस भी. वीडियो के एंड में हम दोनों का लिंक दे देंगे, आप उनको देख लेना, वो एक डिटेल्ड सिलेबस है, हमने सब कुछ कवर कर रखा है उसमें. ठीक है, तो वो एक हमारा कंप्लीट सिलेबस है, उसको आप पूरी तरह से फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा. अच्छी बात क्या है गाइस कि नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं एनमैट स्नैप सीमैट, इन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है. मतलब मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने स्नैप का सिलेबस कर लिया तो वो सारे नॉन कैट एग्जाम्स निकाल लेगा. ठीक है, बस ये अलग बात है किसी में वैरायटी, किसी में डिफिकल्टी कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, ऐसा है, वो भी वैरी करती है हर साल. जैसे स्नैप में लास्ट ईयर कितना टफ आ गया था. ठीक है, वो चीज है. तो आपको सिलेबस पूरा प्रॉपर देखना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन. गाइस इसी से रिलेटेड एक चीज है जो बहुत काम की है, जो काफी स्टूडेंट पूछते हैं, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, आस्किंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनमैट स्नैप. गाइस ये चीज मत करना,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, आपको देखो कि आपको कुछ भरोसा नहीं क्या आ जाए एग्जाम में। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि 5 साल के पेपर देख के कर लिया उसी से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज स्टैट स्मार्ट हो गया है, नॉन टेट एग्जाम से स्मार्ट हो गए हैं, इवन SRCC GPO तक के एग्जाम्स भी बहुत टफ पेपर देने लग गए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रहा है। अब SIBM पुणे का एवरेज पैकेज 25 लाख है और डेफिनेटली इसके आसपास ही होगा बिकॉज बैच साइज छोटा है। तो गाइस पैकेज बढ़ रहा है तो ये लोग डेफिनेटली बढ़ाएंगे। तो आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, पहली बात तो सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं। बिकॉज ऐसा हो चुका है कि 20 में से 10 क्वेश्चन कभी कभी अर्थमेटिक के आ गए, कभी कभी 12 क्वेश्चन एल्जेब्रा के आ गए। तो आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ फिक्स है ही नहीं, बहुत ज्यादा रैंडम है। आपको एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि 20 के 20 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए। जैसे आप हाइट से डिस्टेंस पढ़ लो तो ऐसे पढ़ो उसको, ठीक है। जिस दिन ऐसे पढ़ोगे उस दिन आपके एग्जाम निकल जाएंगे। एंड मैट फिर भी थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम है, बट स्नैप बहुत ज्यादा वैसा एग्जाम है, बहुत ज्यादा वो फ्लक्चुएटिंग एग्जाम है, मतलब एक तरह से, ठीक है। काफी मतलब कुछ भरोसा नहीं है एग्जाम का क्या आ जाए। तो आपको हर टॉपिक को पढ़ना है। आप ये नहीं बोल सकते हो, काफी स्टूडेंट गलती करते हैं कि पूरा पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कि अलजेब्रा छोड़ दिया, APGP छोड़ दिया। ऐसा मत करो, जो आपको बहुत टफ लगता है उसका कम से कम बेसिक्स पढ़ के जाओ। क्योंकि मान लो आपने अर्थमेटिक बहुत अच्छे से पढ़ी, अर्थमेटिक के 8-8 लाइन के क्वेश्चन आ गए, आप वो भी नहीं कर पाओगे, और आप ग्राफ छोड़ के गए थे और ग्राफ का बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, वो भी नहीं कर पाओगे, तभी आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये चीज मत पूछना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। आप सोचते हो कि पिछले 5 साल में जो आया वही आएगा, एग्जामिनर भी आपसे ज्यादा स्मार्ट है, जो 5 साल में आया उसके अलावा कुछ और भी दे सकता है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो, उसको पता है इसलिए, ठीक है। तो आपको ये समझनी पड़ेगी बात कि आपको, और आज की डेट में तो जो पहले कभी आ चुका है वो वैरायटी करके जाओ, उसके अलावा नई वैरायटी भी करके जाओ। लाइक आजकल इवन कैट के टॉपिक्स भी आना शुरू हो गए, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स भी आना शुरू हो गया है, बाइनरी लॉजिक आना शुरू हो गया है। तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वो अलग बात है कि बहुत हैवी सेट नहीं आएगा डेफिनेटली कैट की तरह, ठीक है। गाइस एक स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सोचते हैं कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, कैट अगर कर दिया तो हमारा एडमिट भी हो जाएगा, तो मॉक्स देना शुरू कर देंगे बहुत ही स्टार्टिंग में। ऐसा मत करो, खाली मॉक्स देके ज्यादा कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है। काफी लोग बहुत ही गलत तरह से पढ़ते हैं, 3-3, 4-4 साल से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को ग्रुप में, सिर्फ मॉक्स मॉक्स देते हैं और नहीं निकलता एग्जाम। आपको गाइस सारी वैरायटी करनी है, यही पर सारी वैरायटी कर लो। टारगेट रखो 31 अक्टूबर तक एनमैट स्नैप का सिलेबस खत्म करना है। एनमैट मैं बोलता हूँ कि 10 से 15 नवंबर के बीच में, तो अक्टूबर में एनमैट मत दो, पूरे प्रॉपर मॉक्स देके, ठीक है, उसके उस टाइम पे मॉक्स आप स्टार्ट करो। स्नैप आपका दिसंबर में होता है, बट आप पहले से अगर मॉक दोगे, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो पहले से स्टार्ट, कुछ लोग सोचते हैं मॉक से ही सीखेंगे, वो गलत तरीका है। आप पहले से पढ़ो फिर मॉक से बाद में एनालाइज करो, वरना आपको हर क्वेश्चन में डाउट होगा तो फायदा नहीं, डिमोटिवेट भी होगे। और कई बार तो लोग मॉक में मॉक देते चले जाते हैं, सोचते हैं मेरा 40 मार्क्स कब क्रॉस होगा, 10 में से 1 मॉक में आ भी गया तो क्या फायदा हुआ, फायदा नहीं ना उससे, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये चीज है, तो ये समझनी पड़ेगी चीज आपको। लास्ट पॉइंट गाइस है कि काफी लोग पास पेपर डिस्कशन, पास पेपर पास क्वेश्चन नहीं देखते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको पास क्वेश्चन देखने नहीं, पास क्वेश्चन देखने गाइस आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिपेंड नहीं होना है, बट आपको PYQs देखने हैं। और ऐसा नहीं कि स्नैप की प्रिपरेशन करो तो आपको स्नैप के देखने हैं, स्नैप की प्रिपरेशन करो तो आपको सारे नॉन टेट एग्जाम्स के देखने हैं, क्योंकि स्नैप वाला जनरली अपने खुद के नहीं देगा, स्नैप वाला CMAT के PYQ उठा के दे देगा, SRCC के दे देगा। तो आपको सारे PYQs देखने हैं, इवन कैट के भी अच्छे क्वेश्चन देख के जाओ, ठीक है। तो ये गाइस 5 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा पॉइंट और है इसी में कि मॉक्स आपको देने भी जरूरी है, ये भी नहीं कि बिल्कुल दो ही मत, बहुत जल्दी भी स्टार्ट मत करो, बट आपको एटलीस्ट 12 NMAT के मॉक्स, और अगर आप स्नैप का एक अटेम्प्ट दे रहे हो तो कम से कम 15 मॉक्स आपको देने हैं। स्नैप 2 घंटे का होता है तो आराम से 15 मॉक आप दे सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये 5 पॉइंट्स अगर आपने माइंड में सेट कर लिए अपने, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस सही टाइम पे स्टार्ट करो, और मे जो टाइम है बिल्कुल सही टाइम है, अभी स्टार्ट करोगे एक डिटेल्ड मैनर में करोगे तैयारी, आराम से आपका 15-20 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा विद वोकैब एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर आप आराम से मॉक से सब कुछ करोगे। अर्ली स्टार्ट करने का बहुत फायदे होते हैं, काफी लोग सोचते हैं, आपको कैसे आइडिया नहीं कि ये मई एंड जून ये 2 महीने अगर वेस्ट हो गए ना, तो मैंने देखा है पैटर्न 90% लोगों का, फिर वही सब कॉलेज मिलते हैं Tier 3 Tier 4 के, क्योंकि जुलाई से फॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं, तब आप फिर फॉर्म्स में लग जाते हो, आप एक्साइटेड हो जाते हो, कौन कंडक्ट करा रहा है कैट वगैरह ये सब। फिर जुलाई अगस्त निकल जाता है, धीरे धीरे अक्टूबर आ जाता है कैट, एंड मैट की विंडो स्टार्ट हो जाती है, फिर आप वहाँ एक्साइटेड हो जाते हो, टाइम पता नहीं चलेगा कैसे आपको, मई जून चलेगा। तो मई एंड जून ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अभी बिल्कुल ठीक टाइम है, मिड में यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NMAT स्नैप एंड अदर नॉन कैट एग्जाम्स, और एक स्ट्रक्चरल डिटेल मैनर में प्रिपरेशन करना है, तो हम लोग का डेडिकेटेड नॉन कैट एंड NMAT स्नैप का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। आपने रिव्यू सुने होंगे शायद, आई डोंट नो,
बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग एंड गारंटीड बैच है। नॉन गेट कोर्स में एवरीथिंग कवर्ड है, अभी से लेकर अगले साल मई तक जितने भी एग्जाम्स है सबके कोर्स है, सबके टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, हार्ड कॉपी बुक्स, सिर्फ एंड सिर्फ 10,000 का। प्राइसिंग एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, ठीक है। और ये एक तरह से गारंटीड कोर्स इसलिए बिकॉज हम लोग इसमें कोई वेरायटी छोड़ते नहीं है, सब कुछ लाइव क्लास में होता है, पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ होते हैं इसमें, ठीक है। उसमें आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी घर के लिए मिलती है, चाहे सीईटी हो चाहे सीमेट हो। इसकी प्राइस कम से कम 18,000 से होनी चाहिए बिकॉज जीडीपीआई भी सारे एग्जाम का कवर्ड है। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एनमैट स्नैप, उसकी प्राइस 6,500 है विद मॉक्स, 12 एनमैट, 15 स्नैप, और दोनों मॉक्स अपडेट होंगे इस बार लास्ट ईयर की तरह, ठीक है। मतलब मिक्स पैटर्न पे रहेंगे ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में रहो, प्लस जीडीपीआई सब कुछ है। तो गाइस हम लोग का डेडिकेटेड बैच है, 15th मई को टेंटेटिवली स्टार्ट हो रहा है। 15th मई से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप में ऐड करना, ओरिएंटेशन की डेट आ जाएगी, फिर आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो एक प्रॉपर में स्टार्ट कर रहे हो बेस्ट ऑप्शन है, करो, अर्ली स्टार्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी गाइस हम लोग के रिजल्ट्स हैं, रिव्यूज हैं, स्टार परफॉर्मर्स, आप गाइस रिव्यूज देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे रिव्यूज आते ही रहते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं, ये रिव्यूज हैं हम लोगों के, आप आराम से पढ़ो उसको पॉज करके, आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है। गैस हम लोग का मेन चीज ये है कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम लोग का बस जो कन्वे होता है इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के थ्रू ही होता है, ठीक है। और यूट्यूब में भी इतना कंटेंट है, कम से कम 200 से ज्यादा वीडियो तो कंटेंट बेस्ड है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की वीडियोस पे कम से कम 40,000 से ज्यादा व्यूज हैं, तो उसी को देख के स्टूडेंट्स आते हैं, बाकी रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो इन केस यू वांट टू इंक्वायर, यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, नंबर में अभी आपको शो करूंगा, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डेमो वीडियोस, डिटेल्स, ब्रोशर सब भेज दूंगा, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, सपोर्ट, आपको सपोर्ट काफी मिलेगा बिकॉज बैच साइज काफी छोटा होता है, एंड दिस इज अवर यूएसपी। गैस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।